मामला ये है सर कि अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ये ज़मीन है, मेरे दादा इस ज़मीन को ख़रीदे थे आज से 50 साल पहले। इस ज़मीन का पूरा रकबा है 1 एकड़ 45 डिसमिल ज़मीन, खाता नंबर 27, प्लॉट नंबर 932। 1 एकड़ ज़मीन मेरा दादा ख़रीदे, उसमें तीन भाई थे, दो भाई सिग्नेचर किए थे, एक भाई का औलाद नहीं था, इस दुनिया से गुजर गए थे। उनकी एक लड़की थी, उनका नाम खातून था, खातून का भी एक भी औलाद नहीं हुआ, उनकी एक लड़की हुई, उनको हम लोग गांव में दुखनी कहते थे, उनका सवीरन नाम था। ससुराल हुआ बनवार रामगढ़ में, तो उनकी 7 लड़की हुई, 2 लड़के हुए, तो दोनों लड़कियों से हम लोग 33.5 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए। और ज़मीन रजिस्ट्री कराने के वक्त में दुखनी के दामाद थे खैरुद्दीन और असगर अंसारी, उनके दामाद थे, वो दोनों भी हमारे साथ शामिल थे 33.5 डिसमिल रजिस्ट्री कराने में। वो बोले आप आज के बाद आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा हम लोग पूरा पा गए हैं और रजिस्ट्री आपको करा दिए, अब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि 12 डिसमिल ज़मीन वो रजिस्ट्री करा लिए और यहाँ तक के मोटेशन भी करा लिए। फिर उसका नकल हम लोग निकाले, रसीद पंजीटू से निकाले, तो उसमें देखे कि मेरी दादी के नाम से 1 एकड़ का रसीद कट रहा है अभी भी। 45 डिसमिल कब्रिस्तान में जो ज़मीन है उसमें 33 डिसमिल ज़मीन बच गया है, 12 डिसमिल ज़मीन वहाँ माइनस हो गया, घट गया। तो उसको हम लोग केस किए 2017 में, वो केस अभी मेरा सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो केस चलते हुए फिर असगर अंसारी, वो अपना साली लोग से रजिस्ट्री कराया था 12 डिसमिल, तो उनको जब केस किए तो फिर बाद में वो दूसरा आदमी को मोहम्मद अनवर अंसारी जो कि बरवे के रहने वाले हैं, और दूसरा है साबिर अंसारी जो अनानी बस्ती के रहने वाले हैं, इन दोनों के नाम से वो रजिस्ट्री कर दिया, 12 डिसमिल का पट्टा बना दिया। फिर बाद में हम लोग को पता चला कि अनवर अंसारी और साबिर अंसारी ने 12 डिसमिल ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया और मोटेशन भी करा लिया। फिर उसका नकल निकाले, पंजीटू से जब रसीद निकाले तो वही देख रहे हैं कि मेरी दादी जैनब खातून के नाम से 1 एकड़ का रसीद अभी भी कट रहा है, 45 डिसमिल ज़मीन जो है कब्रिस्तान में एक ही प्लॉट है, वहाँ 33 अभी बता रहा है जो कि मेरे पास अभी मौजूद है। तो हम लोग को 6 महीना पहले थाना से हमको फ़ोन किया, कहाँ पर हो जी, तो मेरे परिवार वो फ़ोन रिसीव की, बोले अभी घर में नहीं है, बाहर कहीं गए हुए हैं, आएंगे तो बता देंगे। हम आए उसके बाद ही बताई, फिर थाना हम गए, हमको बोला कि बाबू इन लोग का पूरा पेपर है, इन लोग का पोजीशन दे दो। हम बोले पोजीशन कैसे देंगे, मेरा 1 एकड़ का रसीद कट रहा है और कब्रिस्तान 45 डिसमिल है, उसमें 33 डिसमिल बचा हुआ है, 12 डिसमिल माइनस हो गया है, कब्रिस्तान में इसको पोजीशन करा दीजिए, हमको तो मरने के बाद कब्रिस्तान में जाना है, कब्रिस्तान को हम हासिल कैसे करेंगे, हम रोज़ाना नमाज करते हैं, हम किसी का चोरी चमारी नहीं करते हैं, हक हलाल वाला कमाई खाते हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो उस दिन भी हमको डरवाया धमकाया थाना वाला, बोली उसके बाद कल जो है, कल गाँव में प्रोग्राम था, कुरान खानी थी, मेरे घर में एक भी जेंट्स नहीं था, सिर्फ लेडीज लोग थी। तो उसी दौरान में करीबन 9 से 10 के बीच में अनवर अंसारी और साबिर अंसारी और एक शमीम अंसारी आनंदी के और एक अब्दुल जब्बार हैं, वो भी आनंदी के रहने वाला है, एनामुल अंसारी है वो बरवे का है, और एक रफ़ीक अंसारी ये बरवे का है, बुलेट लेकर वो भी आया था, 4-व्हीलर में आए थे 2-3 और ऑटो में आए थे, पूरा लाठी डंडा के साथ, पूरा तैयारी के साथ आया था वो लोग, आके पहले घर में छेड़छाड़ें किया लड़की लोग को,
तो हमको फ़ोन किया घर से, तो हम आ गए घर, देखे कि लोग धक्का मुक्का हो रहा है, फिर हम मना किए। जो लोग 12-15-20 लेडीज़ लाया था, सब अपना चेहरा को ढके हुए थी, बांधे हुए थी। उसके बाद वो लोग प्लॉट में उतर गई, बोल रहे ज़मीन हम लोग ख़रीदे हैं, ज़मीन को नापने दीजिए। तो हम बोले ज़मीन नापने कैसे आपको देंगे, ज़मीन तो मेरा है, जो बिक्री किया उसको बुलाइए। उसके बाद देखिए मारधाड़ चालू कर दिया वो लोग, पूरा तैयारी के साथ था वो लोग, मेरे ऊपर भी मारा है। देखिए यहाँ पे हम ही बाबू को ले लेते, मेरा छोटा बच्चा है और हमको ढकेल दिया। बच्चा गिर गया था, बच्चा को चोट नहीं आया पर हमको आया था। और हम लोग को वो लोग कभी भी मार सकता है, हम लोग का जान का खतरा है। हम लोग SSP से गुहार करते हैं कि हम लोग को मदद कीजिए। अरे और मांझी थाना जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है हम लोग का। शहनाज बेगम है, कल हम लोग का ज़मीन में आया था यहाँ, आके हम लोग घर के अंदर थे, महिला ग्रुप मंगाए थे वो लोग दो ग्रुप से, और कहाँ की थी नहीं थी हम लोग को तो नहीं है पता, पर वो लोग आके और हम लोग को धूर मार गाली गलौज करने लगी। तो हम लोग घर घुस गए, घर घुस गए तो जेन से सब भी घुस गया हम लोग के साथ और छेड़छाड़ करने लगा। हम यहाँ तक कि हम लोग का कपड़ा तक भी फाड़ दिया था। उसके बावजूद जब हल्ला गुल्ला किया और बाहर निकल गए, तो बाहर निकले उसके बाद वो लोग सर में पटक पटक के ज़मीन में इस सब में हम लोग को मार धार करने लगा। भूमाफिया सब वो लोग बराबर हम लोग को परेशान कर रहा है। वो लोग जब भी आता है हम लोग को ही बराबर जानता है, वो लोग जेंट्स नहीं है घर में तो औरत सबको ही परेशान करता है। अनवार अंसारी ले कर आया था, वही हम लोग को अथी किया, देखिए इसमें सर में भी लगा है, हम लोग को मारपीट किया और सर में भी है और कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया था। और बोले कुछ हम लोग और बोले तो और धमकी दे रहा था कि और मारेंगे कह के, और हम लोग को खूब परेशान किया। बाद में जब आए मेरा शौहर तो वो बोले कि अभी लड़ाई मत करो, हम ये सब नहीं चाहते हैं, तो उनको हाथ में मार के यार तोड़ दिया, हाथ पूरा फूल गया है उनका हाथ, और एक्सरे ये सब कराए हैं। रिम्स में हम लोग का भी CT एक्शन सभी सब हुआ है, ज़मीन में पटक पटक के मारे हैं। तो और 3 ऑपरेशन मेरा है, चढ़ चढ़ के लेडीज सब भी खून दी है। लेडीज़ सबको हम लोग को पता लगाना है कि कहाँ की थी, काहे ने हम लोग को सरकार का दवार जाना पड़े, पर हम लोग को चाहिए, हम लोग वही चीज़ का गुहार लगाएंगे कि वो लोग आए हम लोग के पास, हम लोग उस सबको पहचानने जानते चाहते हैं कि कहाँ के हैं वो लोग। और अनवर जो है वही बराबर ले लेके आता है। हम लोग के साथ कोई जींस नहीं था, हम लोग 4 लेडीज़ था, अब वो लोग कम से कम 25 लेडीज़ था, 25 लड़का था और पूरा सामान का साथ था। और घर घुस के हम लोग मारपीट किए, छेड़छाड़ किए और जान मारना हमला किए, और हम डर के मारे घर से नहीं निकले। जब निकले बाहर तो मेरा देवर को लाठी चला दिए, उसका हाथ में बहुत काफ़ी चोट लगा। और हम लोग थाना जाते हैं, थाना वाला सुनाई नहीं करते हैं, हम लोग ऊपर जाने चाहते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।